हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री एट सीएलसी। आज बेटा हम डीसीएम 35 पे इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक थे गैसेस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक मोल एल्यूमिनियम को तनु H2SO4 विलयन में मिलाया जाता है तो कार्य की गणना कीजिए। यानी आपके पास में डाइल्यूट H2SO सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें आपने ऐड किया है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर वर्क है वो कितना होगा, ये कैलकुलेट हमें करना है। तो हमें ये पता है, कोई भी रिएक्शन गिवन होती है तो वर्क है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं W इक्वल टू डेल्टा NgRT, इसके इक्वल होता है। किया गया कार्य होता है वो डेल्टा NgRT के इक्वल होता है। और हम ये जानते हैं डेल्टा एन जी इक्वल टू होता है समेशन ऑफ N प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ N रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। प्रोडक्ट है उसके अंदर गैस के मोल आप देखोगे, ये वाला एक्वस आ गया, सिर्फ ये वाला गैस है, और इधर देखते हैं तो यहां पर कोई भी गैसेस स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है। तो आपने देखा यहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपने किया, W इक्वल टू था माइनस डेल्टा NgRT। तो यहां पर प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू आपने देखा प्रोडक्ट के अंदर कितना आ गया 3/2, रिएक्टेंट के अंदर कितना प्रेजेंट है 0। देन W इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस 3/2 RT है, इसके इक्वल आएगा। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, माइनस 3/2 RT। तो बेटा एक चीज को आपको ध्यान में रखना, कहीं पर भी कोई रिएक्शन दे रखी हो और रिएक्शन देकर आपको वर्क पूछा जाए तो वर्क है वो किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू माइनस डेल्टा NgRT, इसके इक्वल होता है। और डेल्टा NG किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर स्पीसीज केवल और केवल गैस स्पीसीज लेनी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन देखो, 273 केल्विन ताप तथा 9 ATM दाब पर एक गैस का संपीडितता गुणांक 0.9 है, तो इस ताप व दाब पर 1 mmol गैस का आयतन क्या होगा। देखो आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है, देखो टेम्परेचर आपके पास में दे रखा है 273 केल्विन, ये आपके पास में टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर आपको गिवेन है। फिर देखो आपके पास में प्रेशर है, ये गिवेन है, प्रेशर आपके पास में गिवेन है वो है 9 ATM, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0.9। द वॉल्यूम ऑफ 1 mmol कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना है, 1 mmol के लिए कैलकुलेट करना है कि 1 mmol है इस टेम्परेचर के ऊपर कितना वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो हम ये जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इक्वल टू क्या होता है, PV/nRT, ये होगा PV/nRT, इसके इक्वल होता है। हम ये मान लेते हैं कि 1 mmol के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 mmol का जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर के अंदर आएगा, और हमसे पूछा गया 1 mmol, तो जो वॉल्यूम लीटर के अंदर वही किसके इक्वल मिलेगा आपको, मिली वॉल्यूम है इसके इक्वल मिलेगा, मिली लीटर है उसके इक्वल मिलेगा। देन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पी इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, जेड इंटू NRT/P। जेड है उसकी वैल्यू हमारे पास में 0.9, 1 mmol के लिए कैलकुलेट कर लेते 1 किया आपने, और आर है इसकी वैल्यू एटमोसफियर लीटर में होती है 0.0821, एंड गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना आपको गिवन है 273, टेम्परेचर आपका 273 अपॉन प्रेशर, कितना प्रेशर आपको गिवन है 9 ATM, ये वाला कितना हुआ 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको हमने सॉल्व किया 0.1, ये तो कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगे, तो ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये वाली वैल्यू आती है आपके पास में 2.24 ये लीटर में। तो हमने यहां पर मोल कितना माना था, 1 mmol के लिए कितना आ गया 2.24 लीटर, और हमें किसके लिए पूछा है, मिली मोल के लिए कैलकुलेट करना है, तो मिली मोल के लिए कैलकुलेट करोगे आप तो इसमें किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, यानी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ml के इक्वल है, तो 41 mmol, ये हमने कैलकुलेट किया। ध्यान देना एक वाली चीज कि मोल है वो हमने यहां पर कितना माना, एक मोल के लिए कैलकुलेट करोगे तो किसमें आ जाएगा, लीटर के अंदर, और 1 mmol के लिए बात करोगे तो ये वाला वॉल्यूम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ml के अंदर, 2.24 ml के इक्वल होगा, तो कितना आ गया 2.24 ml। थर्ड वन क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्राफ बॉयल के नियम को नहीं दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है। क्या बताया था, कांस्टेंट प्रेशर है इसके ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
इनवर्स का ग्राफ ये होता है, तो ये वाला तो सही है। फिर इधर वाले ग्राफ दे रखे हैं, वो किसके अंदर दे रखा है, लॉग फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, तो हम इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, लॉग ये मान लिया हमने p इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लिया k अपॉन v, ये हुआ। देन लॉग p इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लॉग p इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग 1 बाई वी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v इनवर्स लिख सकते हो। तो क्या होगा, लॉग k इक्वल टू आ गया लॉग p इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग v इनवर्स, ये है। तो हमारे जो ग्राफ है वो लॉग p और लॉग v इनवर्स है, इसके बिटवीन है। तो इसको मैंने रखा y एक्सिस पे, ये हो गया y, और लॉग v इनवर्स है इसको हमने कहां पर रखा, x, ये हो गया x। इसके साथ में स्लोप m और रिमेनिंग होता है इंटरसेप्ट। तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और mx है, वो क्या होगी स्ट्रेट लाइन, प्लस mx आ गया, तो स्ट्रेट लाइन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वाला भी आपका करेक्ट हो गया, जबकि यहां पर कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा गया, तो ये वाला क्या होगा, इसमें देखो कहां पर आ रहा है, माइनस एम एक्स है, इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग, यानी ये वाला गलत है। और पी वी और वी, तो ये वाला देखो सेम के लिए कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट के लिए कौन सी लाइन आएगी, पहले लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो, 180 दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक गैस को गर्म किया जाता है, यदि गैस का प्रारंभिक आयतन 10 लीटर हो तो इसका अंतिम आयतन क्या होगा। यहां पर बेटा दाब को कांस्टेंट कर दिया, तो यहां पे प्रेशर वो आपका कांस्टेंट है, 180 दाब, प्रेशर आपको कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर T1 टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन। T2 टेम्परेचर है ये कितना होगा, 373 केल्विन। प्रारंभिक आयतन इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना आपके पास में, 10 लीटर, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, V2 है इसको आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम ये जानते बेटा, नहीं समझ में आता तो आप PV इक्वल टू NRT लिख लिया करो, NRT हो गया, क्लियर हुआ। कोई भी गैस ऐसे लिखा हो इसका मतलब उसको मोल आप फिक्स मान रहे हो। अब देखो यहां पे R होता है, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है, यहां पर आपने किसको कॉन्स्टेंट कर दिया, P को कॉन्स्टेंट किया, तो क्या रिलेशन होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, V2 अपॉन V1 किसके इक्वल होगा, T2 अपॉन T1 इसके इक्वल है। तो यहां से हमारे पास में V2 हमें कैलकुलेट करना है, तो V2 इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई V1। देन T2 कितना है, 373 इंटू V1 10 लीटर है, T1 273, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 13.66, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए वॉट प्रेशर ए क्वांटिटी ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 60 ml इफ इट्स ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml एट प्रेशर 720 व्हाइल टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन बोल रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आपका, और वहां पर वो गैस है वो 100 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं कितने प्रेशर के ऊपर, 720 mm प्रेशर के ऊपर। तो 60 ml जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तब उसका प्रेशर कितना होगा, ठीक है। देखो ए गैस किस दाब पर 60 ml आयतन घेरती है, यानी वो दाब क्या होगा जहां पर उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो कितना है, 60 ml। जबकि कंडीशन क्या दे रखी है, जब 720 mm प्रेशर है तब वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो आपका कितना है, 100 ml। तो बेटा यहां पर तापमान कांस्टेंट हो गया आपका, यहीं से स्टार्ट कर लिया करो आप। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, एकदम जीरो से बता रहे। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, सिर्फ रिलेशन किसमें, दाब और वॉल्यूम में। पीवी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 V2। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, P2 V2 अपॉन V1। प्रेशर कितना, 720। वॉल्यूम कितना है ऑक्यूपाई कर रही है, 100 ml। V1 कितना होगा, 60। ये होगा 12 × 100, 1200। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर भाई। और देखिएगा, नेक्स्ट देखो,
वन एटीएम, प्रेशर देखो कितना दे रखा आपको, वन एटीएम। टेम्परेचर आपको कितना दे रखा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में लेंगे तो 273 में 3 जोड़ दो आप, कितना होगा 275 केल्विन। पर बोरोन तथा हाइड्रोजन के गैसीय यौगिक के 1 ग्राम की मात्रा 0.820 लीटर आयतन को घेरती है। W1 गैस है, उसका भार आपको दे रखा कितना, 1 ग्राम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, 0.820। तो यहां पर वो गैस कौन सी होगी ये पूछना चाह रहा है। तो हमें गैस का पता कैसे चलेगा, तो गैस का पता लगाने के लिए हम उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट इनमें से आएगा वो हमारी गैस हो जाएगी। देखो क्या लगाओगे, PV = nRT। PV = nRT। तो प्रेशर आपके पास में, प्रेशर कितना गिवेन है, 1 atm। वॉल्यूम कितना है, 0.820। मोल इक्वल टू होता है गिवेन मास, कितना मास है, 1। मॉलिक्यूलर वेट है ये हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना होता है, 0.0821 होता है। मैं इसको ऑलमोस्ट ही मान लेता हूँ 0, ये दे भी रखा आर की वैल्यू। और टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 275। ठीक है, सॉरी 273 में 3 जोड़ो, ये होगा 276। देन m इक्वल टू कितना हुआ, 0.080 इंटू 276 डिवाइड बाई 0.820। तो ये कैंसिल हुआ, कितना बचा, 0.1। तो हमारे पास में कितना आ गया, 27.6। तो यहां पर वो वाली गैस होगी जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 27.6। तो हमें इनमें से देखना है 27.6 है वो किसका आ रहा है। जैसे BH3 की बात करें, बोरोन को आपको कितना माना है, 10.8, तो ये होगा 10.8। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 3 का कितना होगा, 3, तो कितना होगा, 13.8। तो ये वाला तो नहीं हुआ, मैं इस वाले पे ट्राई करता हूँ, B2H6 पे। एक बोरोन का कितना है, 10.8, बोरोन के नंबर कितने हैं, 2, तो कितना होगा, 10.8 और ऐड कर दो, और साथ में 6 हाइड्रोजन है, ये ऐड कर दिया, कितना हुआ, 27.6। तो गैस कौन सी होगी जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 27.6, और यहां पर 27.6 मॉलिक्यूलर वेट है वो किसका आ रहा है, थर्ड वाले का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी दो मानक पात्र है, 1 atm तथा 298 केल्विन पर ए 15 ग्राम एथेन युक्त है, 2 पात्र हमने ले लिए। देखो यहां पे क्या है, इस पात्र को मैंने मान लिया ए, दूसरा पात्र है मेरे पास में बी, ये पात्र होगा मेरा बी। 1 atm तथा 298 केल्विन पर ए है, उसमें कितने ग्राम है, 15 ग्राम एथेन है, C2H6, ये 15 ग्राम। समान ताप और दाब पर पात्र बी कितना है, 75 ग्राम। गैस कौन सी है, X2। तो X2 का वाष्प घनत्व क्या होगा, देखो ताप दाब ये सब बराबर है तो इनका आयतन भी क्या होगा, सेम होगा। दाब और ताप बराबर है तो आयतन बराबर होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N, यानी इसके मोल इक्वल होंगे, यानी इसके जो मोल होंगे वही मोल किसके मिलेंगे आपको, X2 के मिलेंगे। और मोल क्या होता है, गिवेन मास अपन मोलर मास, तो इसका मास कितना, 15, मोलर मास कितना होता है, 30, इसका मास कितना है, 75, मोलर मास हमें पता नहीं, X2 मान लेता हूं मैं, MX2। सॉल्व किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मॉलिकुलर वेट कितना आ गया, 75 × 2 = 150। लेकिन हमें देखो यहां पे क्या पूछा है, वाष्प घनत्व पूछा है, और हम ये जानते हैं अणु भार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व, यानी मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, देन वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ, 75। विश्वन फर्स्ट, क्लियर हुआ ये वाली बात। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, देखो तालाब के एक तलछाप का ताप एवं दाब 8 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 atm है।
से एक छोटा बुलबुला ऊपर उत्पन्न होता है, तालाब की पश्च की ओर उठता है, जहां ताप और दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड व 1 एटीएम है। यदि बुलबुले का प्रारंभिक आयतन 2 ml है तो अंतिम आयतन ज्ञात करो। देखो ये हमने मान लिया, ये आपके पास में तालाब है, ये मान लिया तालाब है, ऐसे तालाब बना लिया। यहां से एक बुलबुला उठना स्टार्ट किया, ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर इस बुलबुले के लिए आप देखोगे तो यहां पर तापमान कितना आपका T1 बोल देता हूं मैं, यहां पे तापमान कितना 8 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कर लेते हैं, 273 ऐड करो कितना होगा 281 केल्विन। दाब कितना यहां पर 6 एटीएम, और यहां पे इसका वॉल्यूम है वो कितना एमएल है 2 एमएल। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ गया तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, तापमान तापमान कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब कम हो गया, दाब 6 की जगह कितना होगा 1 एटीएम। तो इसकी यहां पर पृष्ठ पे देखेंगे, सरफेस पे देखोगे तो यहां पर आपके पास में T2 है वो कितना मिला 298 केल्विन, P2 है वो कितना हो गया 1 एटीएम, V2 आपको कैलकुलेट करना है। तीन वेरिएबल दे रखे हो तो P1 V1 upon T1 इक्वल टू होता है P2 V2 upon T2। इसे सॉल्व करेंगे, P1 V1 upon T1 इक्वल टू P2 V2 upon T2। तो P1 है, इसकी वैल्यू आपने देखी कितनी होगी 6, V है 2, टेम्परेचर है 281 इक्वल टू P2 कितना हो गया 1, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है और ये कितना 298। सॉल्व करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वाली वॉल्यूम आता है 12.72 ml। क्लियर हो? तो जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो उसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। जैसे तालाब के बारे में बोल दिया तो आप इमेजिन करो, एक नीचे से एक बुलबुला ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे का टेम्परेचर और प्रेशर अलग है, ऊपर का टेम्परेचर और प्रेशर अलग है, तो उसके बेसिस पे नीचे जो उसका वॉल्यूम होगा और ऊपर की तरफ आएगा उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा अलग अलग। तीनों वेरिएबल है तो P1 V1 upon T1 इक्वल टू P2 V2 upon T2 से सॉल्व कर लेते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर एक खाली पात्र में एथेन तथा हाइड्रोजन के समान भार को मिश्रित किया जाता है। हाइड्रोजन द्वारा लगाए गए कुल भाग का प्रभाज निम्न है, यानी इक्वल वेट ऑफ एथेन और हाइड्रोजन को मिक्स किया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कंटेनर में। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एग्जर्ट बाई हाइड्रोजन, कि टोटल प्रेशर में से हाइड्रोजन जो प्रेशर लगाता है उसका कितना रोल है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। किसके रेस्पेक्ट में? टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में वो कितना प्रेशर लगा रहा है, तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पी टोटल है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेल्फ के मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ क्या दे रखा है इसमें, एथेन C2H6। मास इक्वल है, जैसे आप वन मास मान लो, वन ग्राम मान लो, कितना भी मान सकते हो। जैसे और इजी करने के लिए मैं बताऊं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो आपको तो जो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा है उसके बराबर मास मान लो, एक इजी वे बता रहे हैं सॉल्व करने का। वैसे तो आप कितना भी मान के कर सकते हो, जैसे एथेनॉल हाइड्रोजन है उसका मॉलिकुलर वेट तो कितना हुआ 2, और एथेन उसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 30। तो मैं यहां पर इसका मास दोनों का 30 मान लूं, मैं इसका मास 30 मान लिया, मैंने एज्यूम किया कि इसका मास है 30, तो हाइड्रोजन उसके मोल कितने हो गए 30/2 15, ये हो गया 30/2 15, और इसका मोल कितना होगा 1, तो कितना 15/60। एक इजी वे बताया आपको, वरना आप तो कितना भी मान के कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो SO3 CO2 PCl3 तथा SO2 के विसरण की दर निम्न है, तो विसरण की दर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनके मॉलिकुलर वेट के। जिसका मॉलिकुलर वेट मिनिमम होगा उसके डिफ्यूजन की रेट मैक्सिमम होगी, और जिसका मॉलिकुलर वेट मैक्सिमम होगा उसकी डिफ्यूजन की रेट मिनिमम होगी। तो SO3 की बात करें तो SO3 में सल्फर का कितना होता है 32,
32 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16, तो तीन का कितना होगा 48, कितना हुआ 80। CO2 का कितना होता है 44, इसका कैलकुलेट करेंगे, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 31, इसका तो सबसे ज्यादा आ जाएगा। SO2 32 और 32 कितना हुआ 64। तो सबसे ज्यादा मॉलिकुलर मास किसका आ रहा है, PCl3 का, तो इसके डिफ्यूजन की रेट क्या होगी मिनिमम, तो देखो इसके अंदर आए मिनिमम, और मॉलिकुलर मास जिसका मिनिमम है उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम किसके लिए आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कौन सा होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, SO2 के 20 लीटर को 60 सेकंड में एक सरंदर विभाजन में से विसरित किया जाता है। 30 सेकंड में समान परिस्थितियों में विसरित किए गए O2 का आयतन निम्न होगा। देखो हम ये लिख सकते हैं रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ SO2, इसके डिफ्यूजन की रेट इसके मोलर मास है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मॉलिकुलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ O2। रेट किसकी इक्वल होगा, कितना वॉल्यूम कितने टाइम के अंदर डिफ्यूज हो रहा है, वॉल्यूम अपॉन टेकन टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ O2 ये हमें कैलकुलेट करना है, कितने सेकंड में 30 में, ये हो गया 30। SO2 का वॉल्यूम 20 लीटर, कितनी सेकंड में जा रहा है 60 में। SO2 मोलर मास होता है 64, O2 का कितना होता है 32, तो देखो कितना आ गया, कितना बचा 10, और ये कितना होगा 2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 10 इक्वल टू कितना होगा रूट 2, इट मींस वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू होगा 10 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होगा 14.14। सेकेंड वन, तो अभी क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मॉलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और रेट क्या होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आ गया। आगे देखिएगा, नियत दाब पर एक आदर्श गैस की वर्ग माध्य मूल चाल घनत्व के साथ निम्न संबंध से परिवर्तित होती है, यानी रेट क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वीआरएमएस रूट 3 आरटी बाई एम, ये होता है, इट मींस वीआरएमएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी या डेंसिटी, तो वीआरएमएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रूट डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड वन। नेक्स्ट देखिएगा, तीन समान फुटबॉलों में क्रमशः नाइट्रोजन हाइड्रोजन तथा हीलियम को समान दाब के साथ भरा जाता है, यदि गैस का रिसाव एक साथ समान परिस्थितियों में होता है तो तीनों फुटबॉल में से गैसों के रिसाव की दर का अनुपात क्या होगा, सारी कंडीशन सेम दे रखी है, तो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट वैल्यू ऑफ मॉलिकुलर मास, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और जब भी ये पढ़ाया जाता है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाए जाते हैं। तो यहां पर देखो, रेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मॉलिकुलर मास का इन्वर्स कितना होता है 28, कितना हुआ 2, कितना हुआ 4। अब मैं सबको रूट 28 है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, रूट 28 तो 2 से कैंसिल करोगे कितना हो गया 14, इसमें कितना हुआ 7, कौन सा हो गया फर्स्ट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। नेक्स्ट पे आते हैं,
नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। एक आदर्श गैस का तापमान 120 केल्विन से 480 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। यदि 120 केल्विन पर गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग v हो तो 480 पर यह क्या होगा? देखो वी आर एम एस रूट थ्री आर टी बाई एम होता है, इट मीन्स इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी। क्लियर हुआ? वी आर एम एस आपको कैलकुलेट करना है, कहां पर कैलकुलेट करना है? 480 पे कैलकुलेट करना है। 120 पे वो क्या दे रखा है? वी ये दे रखा है, तो यहां पे कैंसिल करोगे कितना हुआ? रूट फोर, और ये कितना आएगा? टू। तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या होगा? टू वी के बराबर होगा। कौन सा हो गया? सेकेंड। बेटा गैसीय स्टेट में फॉर्मूले बनते बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले, और जनरली बायो के बच्चे होते हैं इस टाइप के फॉर्मूले वो याद कर लेते हैं, तो बहुत इजी चैप्टर होता है। सिंपल सा रिलेशन बनते हैं, पीवी के रिलेशन पे आता है, या आरएमएस है इसके रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, या रेट है उसको मॉलिकुलर वेट के रिलेशन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा। हीलियम परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा दो गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु के लिए औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी 3/2 केटी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो परमाणु के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर आपका सेम है तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? सेम, हाइड्रोजन के समान ही रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, आदर्श गैस का आंतरिक दाब है। आदर्श गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है, तो दाब कितना हो गया? सुनने, ये प्रॉपर्टीज के अंदर आप पढ़ के आते हैं उनकी। नेक्स्ट देखो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोल आदर्श गैस के आयतन को उत्क्रमणीय रूप से 10 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित किया जाता है, तो किया गया कार्य अर्ग में ज्ञात कीजिए। तो देखो कार्य क्या होता है? W बराबर -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये कार्य का सूत्र होता है। तो क्या लिखा? W इक्वल टू -2.303 n का मान, एक मोल आदर्श गैस है तो n का मान कितना होगा? एक। R की वैल्यू जूल में होते 8.314, अर्ग में क्या होगा? 10^7 लगा दो। टेम्परेचर कितना है? 298। लॉग V2 कितना होगा? 10 से 20 तक गया तो कितना होगा? 20/10, तो कितना आया? 2। तो कौन सा होगा? -2.303 और 8.314, 10^7। सेकेंड वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दो मोल आदर्श गैस के लिए सीपी व सीयू में संबंध बताओ। नॉन मोलर है, देखो ब्रैकेट में लिखा नॉन मोलर, यानी मोल नहीं मानना। तो क्या होता है? नॉन मोलर के लिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है एनआर। कितने मोल की बात कर रखी है? 2 मोल की बात की है। देन सीपी माइनस सीवी है वो कितने आर के बराबर हो गए? 2R। नेक्स्ट देखिएगा, निकाय 600 जूल उष्मा अवशोषित करता है तथा इसके परिवेश पे कार्य 300 जूल के बराबर होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। कितनी उष्मा अवशोषित की? अवशोषित उष्मा पॉजिटिव 300। परिवेश पे कार्य किया गया यानी निकाय द्वारा किया गया कार्य, और निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव। तो कितना हो गया? 300 जूल। फर्स्ट वन। और बेटा ऐसे क्वेश्चन ही नीट में पूछे जाते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं इनसे। समायतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। देखो समायतनिक प्रक्रम आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिखोगे? क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस पी डेल्टा वी। समायतनिक यानी आयतन में परिवर्तन कितना होगा? 0। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हुई? 0। तो डेल्टा ई किसके बराबर हो गया? क्यू के बराबर। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब
वो उष्मा को अवशोषित कर रहा है, किसके बराबर होगी? अवशोषित उष्मा के बराबर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत है, इसको चयन करना आपको। गैस के ताप में परिवर्तन नहीं होता, सही है, समतापी है तो गैस के ताप में परिवर्तन नहीं होगा। बेटा डेल्टा ई के बारे में जब भी पूछा जाए तो एनसीवीडीटी से कर लो, एनसीवीडीटी ये लगा लो। कहीं पर भी अगर आंतरिक ऊर्जा से रिलेट कर रखा हो ताप को, तो ये वाली से रिलेट कर लिया करो, डेल्टा इक्वल टू होता है एनसीवीडीटी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो देखो तापमान में परिवर्तन नहीं होता तो डेल्टा टी कितना? जीरो। डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो। ठीक है, ये भी सही हो गया। गैस द्वारा किया गया कार्य गैस को दी गई उष्मा के बराबर होता है, अभी हमने देखा डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा? क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये वाली वैल्यू जीरो, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। फोर देखो, गैस द्वारा किया गया कार्य गैस की आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा, तो ये वाला क्या होगा? गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर गलत का ही चुनाव करना था, कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन, कौन सा स्टेट फंक्शन है? उष्मा कार्य और उष्मा धारिता। देखो हीट वर्क एंड हीट कैपेसिटी, ये होते हैं पाथ फंक्शन, और इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन है, तो यहां पे कौन सा हो गया? सेकंड। इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन आपकी। नेक्स्ट वन, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय जैसे आइडियल थर्मस फ्लास्क मानते, मैटर और उसमें प्रेजेंट हीट का, उसके सराउंडिंग के साथ में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। आइसोथर्मल चेंज, टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। और हीट क्या होता है? पाथ फंक्शन। तो ए के अंदर कौन सा होगा? सेकेंड वाला, ए के अंदर सेकेंड। और बी के अंदर कितना होगा? फोर। सी के अंदर कितना होगा? सी के अंदर फर्स्ट। और डी के अंदर थर्ड, कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श गैस के समतापीय प्रसार के लिए, समतापीय प्रसार है तो वही आपको बताया बेटा, समतापीय प्रसार है तो डेल्टा ई एनसीवीडीटी बना लिया करो। तो समतापीय प्रसार है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? जीरो। एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कौन सा होगा? फोर। नेक्स्ट देखते हैं, दो ग्राम मेथेन के दहन के दौरान 2.8 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है, तो दहन की मेथेन की दहन उष्मा ज्ञात कीजिए। यानी दहन उष्मा का मतलब प्रति मोल, एक मोल के लिए ज्ञात करनी है। और हमें देखो क्या दे रखा है बेटा, एक चीज और बता देते हैं, दहन उष्मा होती है हमेशा उत्सर्जित उष्मा है, सदैव नेगेटिव होता है, हीट ऑफ कंबेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो वैसे ही देखो यहां पर नेगेटिव साइन एक में ही है, ये भी देख सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 ग्राम मिथेन है, इसके दहन से निकलने वाली उष्मा है -2.8 किलो कैलोरी, तो 1 ग्राम से कितनी निकलेगी? 2.8 डिवाइड बाई 2, और आपके पास मिथेन कितना है? 16 ग्राम। 1 मोल का मास, मोलर मास के इक्वल होता है, और मिथेन का मोलर मास है 16, तो 16 का किसके बराबर हुआ? 2.8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 16, इतना -22.4। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबेशन होता है ऑलवेज नेगेटिव है। कौन सी अवस्था में पदार्थ सर्वाधिक एंट्रोपी रखता है? सर्वाधिक एंट्रोपी यानी सबसे ज्यादा रेंडमनेस कब होती है गैस के अंदर? देखो अक्रियशील गैसों के मिश्रित करने पर एंट्रोपी बढ़ती है, मात्रा बढ़ने के साथ साथ में क्या होती है? एंट्रोपी है, वो बढ़ेगी।
निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी में सबसे ऋणात्मक परिवर्तन होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसमें आएगी? तो एंट्रोपी में देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, टू माइनस ये कितना हो गया थ्री, तो इसमें कितना होगा माइनस वन। सिर्फ गैस को देखना है, वन और इधर टू, यहां पे भी कितना आ रहा है माइनस वन, वन और टू है वो गैस होता है, तो यहां पे कितना हो गया जीरो, जीरो माइनस थ्री, इसमें कितना हो गया माइनस थ्री, तो सबसे ज्यादा किसमें आ गई फोर्थ। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी, ये पढ़ के आते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू की ओर जा रही है, यानी ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है तो और अधिकतम मान की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तीन सौ 68 केल्विन पर एकांतक से विषम लंबाक ठोस अवस्था में, देखो क्या दे रखा है, मोनोक्लिनिक से रोम्बिक, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक मोल सल्फर के संक्रमण के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए, संक्रमण के लिए डेल्टा एच ये दे रखा है, एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच अपॉन टी, वो संक्रमण तापमान आ जाएगा आपका, ये कितना 401.7 और ये कितना होगा 368, सॉल्व करते हैं कितना माइनस 1.09, कौन सा हुआ फर्स्ट। निम्न में से कौन सी परिस्थिति रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में सभी ताप पर इनके सौता होने को सुनिश्चित करती है, यानी इनमें से कौन सी कंडीशन होती है जब रिएक्शन होता हो सभी टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस है, हम ये जानते हैं डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ये वाली कंडीशन हो और ये वाली वैल्यू भी क्या हो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करते हैं तो डेल्टा जी ऑलवेज क्या रहेगा नेगेटिव, और स्पॉन्टेनिटी के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होती है जब डेल्टा जी लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव कब बना रहेगा जब डेल्टा एस नेगेटिव, यानी डेल्टा एच लेस देन जीरो, और ये नेगेटिव टर्म कब आएगी जब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, कौन से हो गए सेकेंड वन में, तो यहां पर डेल्टा जी वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब देखो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड व एक एटीएम दाब पर एक मोल जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड व एक एटीएम दाब पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, यानी लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, फेज चेंज का जो टेम्परेचर लेते हैं सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से वेपर बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली कंडीशन होती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एंड वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कितना होगा जीरो। और देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 33, एक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस इसकी वैल्यू दे रखी है, तो अभिक्रिया कौन से तापमान पे सौता या अवसौता होगी, देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सबसे पहले बेटा सोल्व करने की जरूरी नहीं आपको, आप पहले यहां पर देखो टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, डेल्टा एच यहां पर क्या दे रखा है माइनस और डेल्टा एस ये वाली वैल्यू भी क्या दे रखी है माइनस, तो हम ये जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू होगा डेल्टा एच ये माइनस और ये क्या होगा प्लस टी डेल्टा एस, एक टर्म प्लस हो एक टर्म माइनस हो जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद में स्पॉन्टेनिटी देखते हैं, तो यहां पर देखो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी जीरो। अब इसके बाद की टेम्परेचर की बात करें तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी नेगेटिव कब होगी, टेम्परेचर को चेंज करोगे टेम्परेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा आपको कम, इसका मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिसको हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे, उससे वैल्यू कम करोगे तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी नेगेटिव, तो केवल निश्चित ताप से कम ताप पर ही सौता होगी।
बर्फ का -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलन की स्थिति में, देखो बर्फ है H2O सॉलिड, या ये बोल दो ये वाला आइस है, इसको आप मेल्ट कर रहे हो, इसका मतलब किसमें कन्वर्ट किया आपने, लिक्विड में कन्वर्ट किया, इसको मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो बेटा आप इसको मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये इसमें कन्वर्ट होगी, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ये किसमें जाएगी, लिक्विड के अंदर, जबकि टेम्परेचर तो क्या है आपका, टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या ये वाली इसमें कन्वर्ट होगी, कैसा होता है, नहीं, इधर ये वाली प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सिंपल सी चीज है, 0 से टेम्परेचर कम किया तो बर्फ पिघले गया और ज्यादा जम जाएगी और ज्यादा फ्रीज होगा वो, तो यहां पे देखो जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे उतनी ज्यादा फ्रीज होता जाएगा वाटर, और टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर होता तब वो पिघलती, तब वो मेल्ट होती, तब वो गलती, तो यहां पर क्या होगा माइनस में, इसका मतलब ये गलेगी नहीं, गलन की तरफ ये क्या होगा ऐसा होता है, इसका मतलब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट देखिएगा, साम्य पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निम्न है, तो गिब्स फ्री एनर्जी साम्य के ऊपर कितनी मिलती है, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना होता है 0, कौन सा होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, देखिए आपको क्या गिवन है, एक अभिक्रिया एक्स प्लस वाई चेंज इन जेड के लिए डेल्टा जी नोट, डेल्टा एच नोट की वैल्यू गिवेन है, टेम्परेचर आपको गिवेन है, डेल्टा यू नोट है, इसका मान ज्ञात कीजिए आप, इसके लिए मान ज्ञात करना, देखो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच कितना गिवेन आपको रिएक्शन के लिए -4.6 किलो कैलोरी, और डेल्टा ई है इसको आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपको गिवेन है, तो हम ये जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U बोल दो या डेल्टा E बोलो प्लस डेल्टा NgRT, इसके बराबर होगा, तो हमें इंटरनल एनर्जी पूछी है, तो डेल्टा E इक्वल टू होगा डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT, इसके इक्वल होगा, तो डेल्टा H है इसकी वैल्यू यहां पे दे रखी है -4.6 किलो कैलोरी, डेल्टा Ng प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट में कितना है 1, रिएक्टेंट में कितना है 2, तो कितना होगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, आर की वैल्यू है 2/1000 किलो कैलोरी के लिए, टेम्परेचर कितना दे रखा है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड किया तो कितना होगा 500, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितना मान हुआ -3.6 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस परिवर्तन के लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई, तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, ये होगा, कहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल जहां वहां पे नहीं होगा जहां पर डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर देखो 2-2 0, यहां पर कोई गैसेस है ही नहीं, यहां पर देखो 1 ये 1 गैस, ये भी 0, अमोनिया 2 ये वाला कितना होगा डेल्टा NG 2-4 कितना होगा -2, तो ये वाली कंडीशन होगी, यहां पर डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल कहां पर होगी, जहां पर डेल्टा एनजी इसकी वैल्यू 0 होती। नेक्स्ट देखिएगा, अभिक्रिया दे रखी है CO2 प्लस H2 कन्वर्ट इन CO प्लस H2O में डेल्टा एच 2.8 है, तो डेल्टा एच किसको बताएगा, देखो इसको हम हीट ऑफ कंबशन नहीं कह सकते, दहन ऊष्मा नहीं कह सकते, दहन ऊष्मा में ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से वाटर इसका फॉर्मेशन होगा, संभवन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, किसी भी एक मोल का फॉर्मेशन करना होता है, ये भी नहीं है, विलयन ऊष्मा में किसी भी एक मोल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते उसको हम हीट ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है, तो यहां पे सिंपल एक रिएक्शन दे रखी है, तो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हीट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया ऊष्मा बोलोगे इसको। अब देखिए यहां पर सुक्रोज के दहन की ऊष्मा 1350 है, तब 17.1 ग्राम सुक्रोज को जलाते हैं तो ऊष्मा की कितनी मात्रा मुक्त होती है, देखो सुक्रोज एक मोल
एक मोल का भार किसके बराबर होता है, अणुभार, कितना होता है 342। 342 में निकली ऊष्मा कितनी है 1350। निकली ऊष्मा बोल दिया, इसका मतलब साइन लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर। तो विद रेस्पेक्ट टू 1 ग्राम कितना होगा 1350 डिवाइड बाई 342, और 17.1 के लिए मल्टीप्लाई बाई 17.1 सॉल्व करो, इसका आएगा 67.5। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एथेन तथा इथाइन के दहन की ऊष्मा का मान ये दे रखा है, तो द्रव्यमान के आधार पर इनमें से श्रेष्ठ ईंधन कौन सा है। तो ईंधन या भोजन की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू से। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। हीट ऑफ कंबशन होता है फॉर 1 मोल, और ये किसके लिए होता है फॉर 1 ग्राम पर ग्राम के लिए। तो देखो एथेन की बात करोगे तो -341 मोलर मास कितना होता है 30, सॉल्व करते हैं -11.3 के आसपास आता है। दूसरा इथाइन के लिए C2H2 या एसिटिलीन बोल देते हैं, कितना होगा 410, और ये मान कितना दे रखा है इसका, मोलर मास कितना होता है 26, -15.7 के आसपास आएगा। तो जहां पे जितनी ज्यादा ऊष्मा पर ग्राम निकलती हो उतना ही बेस्ट फ्यूल होता है, तो कौन सा होगा C2H2। नेक्स्ट देखिएगा, CH4 तथा C2H6 के वियोजन की एंथैल्पी 320 और 600 कैलोरी है। तो कार्बन कार्बन की बंध ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो CH4 है, इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 4, इनको ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है 320। तो एक कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी को आप देखोगे तो कितना होगा 320 डिवाइड बाई 4, कितना गया 80। एथेन की बात करें तो एथेन होता है C2H6, तो यहां पर एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है प्लस 6 यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके डिसोसिएशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 600। तो कार्बन कार्बन की हमें कैलकुलेट करना है, तो कितना होगा 600 -6 इंटू कार्बन हाइड्रोजन। एक कार्बन हाइड्रोजन की हमने कैलकुलेट की थी कितनी है 80, तो 6 की क्या होगी 80 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हुआ ये हुआ 600। और ये कितना हुआ 480, तो कितना बच गया 120। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन से अम्ल व क्षार के उदासीकरण की एंथैल्पी -13.7 किलो कैलोरी के लगभग है। तो -13.7 किलो कैलोरी कब आते हैं, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक लिए जाए, और अगर वहां पर दुर्बल आ जाता है तो वहां पर कुछ मात्रा दुर्बल के आयनाइजेशन में काम में ले आ जाती है, इसलिए वहां पर मान 13.7 उससे कम मिलता है। तो दोनों प्रबल कौन से होंगे HCl और KOH। 60 ग्राम एसिटिक एसिड और 40 ग्राम NaOH के उदासीकरण की एंथैल्पी क्या होगी, इसका भी 1 ग्राम तुल्यांक होगा, इसका भी 1 ग्राम तुल्यांक ले लेते हैं, दोनों का 1 ग्राम तुल्यांक है। तो पर ग्राम तुल्यांक से किलो जूल के अंदर कितनी आती है 57.1 आती है। ठीक है, तो यहां पर एक दुर्बल घटक हो गया, एक प्रबल है, तो कुछ ऊर्जा दुर्बल के आयनाइजेशन में काम में आएगी, तो वो मान क्या होगा 57.1 से कम मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नियत दाब पर 1 मोल गैस का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कार्य किसके तुल्य है, यानी मैग्नीट्यूड पूछा है, वर्क है किसके इक्वल मिलेगा, क्या होता है डेल्टा एनजी, तापमान की बात कर रहे हैं, NR डेल्टा T, तो 1 मोल है और तापमान कितना बढ़ा रहा है 2, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 2R के बराबर। नेक्स्ट देखिए, एक 10 ग्राम गैस 1 ATM और 373 केल्विन पर 5 लीटर आयतन घेरती है, तो समान गैस के लिए समान दाब पर वह तापमान ज्ञात कीजिए जिस पर आयतन दुगुना हो जाए, यानी PV इक्वल टू हम जानते हैं NRT, क्या क्या कांस्टेंट हो गया आपका दाब कांस्टेंट है, ये वाले कांस्टेंट हो गए, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा 80,
देन वी वन अपॉन टी वन किसके इक्वल लिख सकते हो आप, वी टू अपॉन टी टू। वॉल्यूम कितना दे रखा है 5, टेम्परेचर है 273, डबल हो जाता है, इसका मतलब कितना हो गया 10 लीटर हुआ। टी टू कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, टी टू इक्वल टू सोल्व किया तो क्या 2 × 273 केल्विन में कैलकुलेट किया 546 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना हो तो −273 माइनस कर दो कितना बच गया 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक आदर्श गैस के लिए V तथा T के मध्य ग्राफ निम्न दाब नियत दाब P1 तथा P2 पर दर्शाए गए। V और P के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है। देखो मैंने यहां पे वॉल्यूम है वो कांस्टेंट कर लिया, तो ये वाला T1 पे आ रहा है और ये वाला किस पे आ रहा है, T2 पे। तो हम ये जानते हैं PV इक्वल टू nRT, ये तो पहले से कांस्टेंट है, V कांस्टेंट किया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और यहां पर हम देख रहे हैं T2 इज ग्रेटर देन T1 देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के लिए विसरण की दर का अनुपात क्या होगा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन मोलर मास के इनवर्स होता है, मोलर मास ऑफ H2 मोलर मास ऑफ O2। हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, कितना बच गया 16, तो क्या बना 1√1:4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी दर होता बेटा मोलर मोलर मास है, इसके इनवर्स होता है रूट वैल्यू की। एक गैस को छिद्रित प्लग से समान परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस की तुलना में 1/6 वेग से विस्तृत होती है, तो गैस का अणुभार क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी गैस मान लिया मैंने X2 है, किसकी तुलना में हाइड्रोजन की तुलना में, तो अणुभार हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका अणुभार हमें ज्ञात करना है, विसरण क्या होगा 1/6, रूट हटाया आपने तो सामने वाले का स्क्वायर किया आपने, कितना होगा 1/36। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X2 कितना होगा 72। नेक्स्ट देखिएगा, वास्तविक गैस का दाब आदर्श गैस की तुलना में कम होता है, क्यों होता है, अंतरात्मिक आकर्षण बल के कारण होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है इसके कारण होता है। हम ये जानते हैं V आइडियल इक्वल टू क्या होता है, V रियल प्लस N स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, तो किसके कारण होता है, अंतरात्मिक आकर्षण बल बढ़ने के कारण। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, एक गैस आदर्श गैस की भांति कब व्यवहार करती है, तो उच्च तापमान तथा निम्न दाब पर एक रियल गैस होती है वो भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, निम्न दाब तथा उच्च तापमान पर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। निम्न में से किस परिस्थितियों में वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस से विचलित हो जाता है, यानी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन इज ए रियल गैस एक्सपेक्टेड टू डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो बेटा आइडियल बिहेवियर तो कब होता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है सिर्फ इसी के ऊपर वो आइडियल की तरह बिहेव होगी, इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो उसे डेविएट कर जाएगी। तो यहां पर भी वो कंडीशन नहीं है, हाई प्रेशर आ गया और यहां पर क्या हो गया लो टेम्परेचर हो गया, तो कौन सा होगा फर्स्ट एंड थर्ड। एक एटीएम 273 केल्विन पर एक गैस की संपीड्यता 1 से अधिक है तो सही संबंध है, देखो जेड इक्वल टू क्या होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल, जेड की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 1, इट मींस वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल, और कंडीशन एसटीपी की दे रखी है, तो एसटीपी की कंडीशन पे आइडियल गैस की कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या मिलेगा आपको 22.4 लीटर उससे ज्यादा होगा, ये होता ना जेड इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। नेक्स्ट देखिएगा, एक अभिक्रिया है 2ClCl2 के सही विकल्प का चयन कीजिए, दो एटम आपस मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी है यानी डेल्टा एच लेस देन 0। फिर देखो डेल्टा एस, यहां पर 2 मोल है, यहां पर कितना है 1 मोल, गैस के मोल के नंबर कम होते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू भी कम होगी, देन डेल्टा एस
लेस देन जीरो, दोनों की वैल्यू लेस देन जीरो। बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे नीट में पूछे जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और CH4 की मानक दहन उष्माएं दे रखी है, CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वन मोल का फॉर्मेशन, नेचर में प्रेजेंट मोस्ट स्टेबल एलोटॉपिक फॉर्म से करते हैं, तो वहां पर इन्वॉल्व हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इसको हम हीट ऑफ, इस हीट ऑफ रिएक्शन का नाम ही क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसको हम किसके टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, दहन ऊष्माओं में। और दहन ऊष्मा क्या होती है, किसी भी हीट ऑफ रिएक्शन के लिए, कोई भी हीट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन, तो वो होता है रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना है, -94 -68, प्रोडक्ट में कितना -213। तो देखो ऐड करो, 94 को 68 से ऐड किया, 8 4 12 1, गलत कर दिया क्या, नहीं, 1 per mole की देर के नहीं, इसकी 2 लोगे आप मल्टीप्लाई बाई 2, तो 68 और ऐड कर दो, 230। तो ये तो होगा -230 और ये कितना +213, तो 213 इससे माइनस करो कितना होगा -171। बस इतना ही ध्यान में रखना आपको, हीट ऑफ रिएक्शन किसी की भी पूछी जाए, वैल्यू किसके आपको गिवन है, किस उसके टर्म में आपको कैलकुलेट करना है। तो हीट ऑफ कंबशन के टर्म में होता है समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन और HBr की बंद ऊर्जा दे रखी है, तो अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात कीजिए इसके लिए। तो किसी भी अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा बॉन्ड एनर्जी की टर्म में भी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। तो देखो हीट ऑफ रिएक्शन समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखो कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, प्लस ब्रोमीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, माइनस प्रोडक्ट 2 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। HH की कितनी होगी, 433, इसकी कितनी होगी 192, -2 × 364, इसमें 192 ऐड किया, 5 625, और इसको करोगे तो 8, ये हुआ कितना, 728 से 625 माइनस करो तो कितना होगा, -103, कौन सा आ गया सेकंड। बस इतना ही ध्यान में रखना, बॉन्ड एनर्जी एंड हीट ऑफ कंबशन हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में साम्यावस्था पर न्यून में से सही संबंध है, साम्यावस्था पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलन क्यू लिख देता हूं मैं, ये होता है साम्यावस्था पर इसका मान जीरो हो जाता है, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, -RT ln Q, और Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, K, और ln को log में कन्वर्ट करते हो तो किससे गुणा करोगे, 2.303 RT log। ठीक है, ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट, निर्जलित या निर्जलीकृत कॉपर सल्फेट और CuSO4.H2O की विलयन ऊष्मा दे रखी है, तो निर्जलित कॉपर सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा ज्ञात करो। देखो ये दे रखा है कॉपर सल्फेट है, वाटर में डाला, कॉपर सल्फेट एक्वस बन गया, यहां पर ऊष्मा है डेल्टा एच, हीट ऑफ हाइड्रेशन में मान लेता हूं डेल्टा एच वन है, स्मॉल में डालते हो, कम वाटर में डालते हो तब इसका हाइड्रेशन होता है, फिर इसको डालते हो तो इसका जलयोजन होता है डेल्टा एच टू। हैस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा एच इक्वल टू
क्या होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। और डेल्टा एच वन हमें कैलकुलेट करना है किसके बराबर होगी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच टू। डेल्टा एच है माइनस 15.89 और ये कितना माइनस 2.80 हो गया, तो कितना हुआ माइनस 18.69 फर्स्ट वन। ठीक है, हैस लॉ के अकॉर्डिंग कर लेंगे। निम्न में से कौन सा मात्रात्मक गुणधर्म है, मोलर, विशिष्ट, ये वर्ड लगा इसका मतलब पर यूनिट, आपने इसको डिफाइन कर दिया। और पर यूनिट जब भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है तो इंटेंसिव बन जाती है, और आपको एक्सटेंसिव पूछा तो कौन सा हो गया आयतन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2 मोल आदर्श गैस को समतापी और उत्क्रमणीय रूप से 4 लीटर से 40 लीटर तक प्रसारित होता है, तो कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य क्या होता है, W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो वैल्यू रखो माइनस 2.303 मोल हो गए 2R की वैल्यू किलो जूल में, 8.314 डिवाइड बाई 1000 log V2 40 अपॉन 4 कितना होगा 10। सॉल्व करो इसका मान आएगा माइनस 11.48 किलो जूल। तो ये था आपका पेपर बेटा, इसी लेवल का पेपर आपको नीट के अंदर पूछा जाता है और बहुत इजी से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आप मेनली इन पे ध्यान दोगे कि थर्मोडायनेमिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स जनरली वर्क को रिलेट करता है या फिर एंट्रोपी को रिलेट करता है या स्पॉन्टेनिटी के लिए गिस फ्री एनर्जी है उसको रिलेट करता है। थर्मोकेमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन देखा हीट ऑफ कंबेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन या बॉन्ड एनर्जी इसको रिलेट किया जाता है। और गैसेस सेट में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर, आई होप अच्छा हुआ होगा, आपने सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपने सोल्व कर लिए होंगे, और क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल सा पेपर था और जो नीट पैटर्न पे जो पहले नीट के अंदर पेपर आए पिछले 10 साल में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसी पे बेस पे आपके क्वेश्चन बनाया गया था। तो नीट के एग्जाम अब बहुत ही पास में आने वाली है, अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।